हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम्स के प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है IBPS में PO की न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से पर ईयर PO यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनी के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। तो इस ईयर के लिए आउट हो चुकी है वैकेंसी, जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और ये होती है ग्रेड ए की वैकेंसी। पहले बता दिया कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल इस वैकेंसी को कंडक्ट कराएगी। पोस्ट का नाम PO यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर रहेगा। टोटल पोस्ट की अगर बात करें ना तो 3000 प्लस सीट रहेगा, टोटल 3049 सीट्स रहेगा। कैटेगरी वाइज अगर सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो जनरल के लिए 1224 यानी 1224 पोस्ट, OBC के लिए 829 यानी 829 सीट, EWS के लिए 300 यानी कि 300, SC के लिए 462 एंड ST के लिए 234 यानी 234 पोस्ट रहेगा। टोटल पोस्ट 3049 रहेगा। तो अगर आप भी इस पोस्ट से रिलेटेड जो शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है उसको डाउनलोड करके देखना चाहते हो या फिर आप ऑफिशियल एग्जाम सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं, दोनों ही चीज़ें आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। फिलहाल अगर बात करें इस पोस्ट के लिए कितने बैंक पार्टिसिपेट करते हैं, टोटल 11 यानी 11 बैंक है। और कौन कौन सा बैंक होता है ये सारी चीज़ें आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है किस बैंक में किस कैटेगरी का क्या सीट रहेगा, तो ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अच्छे से देख लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इसको अप्लाई करने का जो डेट है 1st of August, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से जुलाई लिख दिया था, 1st of August से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट आपका 21st August रहेगा। मतलब कि 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा। तो जल्द से जल्द आप अप्लाई कर देंगे जैसे ही 1 के बाद ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब डेट की बात कर ही रहे हैं तो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि इस वैकेंसी के लिए रेलेवेंट होगी उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा ना अक्टूबर में कंडक्ट कराया जाएगा, 19 और 20 दो दिन इसका पेपर रहेगा। ये सारी चीजें शॉर्ट नोटिस में बताई गई है। मेंस का एग्जाम आपका होगा 30 नवंबर यानी 30 नवंबर को। तो ये तो हमने जान लिया कि अप्लाई की डेट क्या होगी, इंपॉर्टेंट डेट क्या है। अब अप्लाई करते वक्त फी क्या लगता है, जनरल OBC एंड EWS से 850 रुपीज लिया जाता है। वहीं पर अगर आप SC ST कैंडिडेट हो या फिर फिजिकली हैंडीकैप पर्सन हो तो आपसे 175 रुपीज लिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि एज की लिमिट क्या होगी। एज लिमिट यानी उम्र सीमा आपकी होगी 20 वर्ष से 30 वर्ष, 20 to 30 years। रिलैक्सेशन भी इसमें मिलेगा, जो 30 years है उसमें OBC के लिए 33 हो जाएगा और SC ST के लिए 5 years 35 years। बात करते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, डजंट मैटर व्हाट इज योर स्ट्रीम, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी स्ट्रीम के बच्चे, साथ के साथ कुछ परसेंटेज का भी इशू नहीं रहने वाला है, तो सभी स्ट्रीम वाले ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये रहता है, साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और फिर आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे ना आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। तो ये सारी थी इससे रिलेटेड बेसिक डिटेल। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि इस पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा कैसे, किन किन स्टेट्स के थ्रू आपको पास करना होगा, उसके बाद ही आपका क्या होगा, ज्वाइनिंग लेटर आपके घर तक जाएगा। तो चलिए मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स। देखिए, ओनली फॉर 3 stages है। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जाम, देन आफ्टर मेंस एग्जाम, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा ये मैं आपको बताऊंगी आगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना है। फिलहाल तो हम लोग स्टेज वाइज स्टेज एग्जाम की पैटर्न को डिटेल में समझ लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, पहले स्टेज पर जो प्रीलिम्स होता है ना, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के लिए, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलता है। और समय सीमा की अगर बात की जाए कि कितने टाइम का पेपर होता है, 60 मिनट यानी कि 1 आवर का, और निगेटिव मार्किंग 1/4 मतलब 0.25 की हो जाएगी निगेटिव मार्किंग। अब जैसा कि अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होगी कि बैंक का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें क्या होता है, सेक्शनल टाइमिंग होता है, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो इंग्लिश का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, और 20 मिनट यानी 20 मिनट का इंग्लिश का रहेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए रहेगा। सेकेंड सब्जेक्ट मैथ्स यानी कि गणित है, इसके लिए भी 35 क्वेश्चन फॉर 35 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। अब देखिए, तीन सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, 60 मिनट यानी एक घंटे का टाइम है, तो उस 60 मिनट को तीनों सब्जेक्ट के लिए 20-20 मिनट में डिवाइड किया गया है। लास्टली रीजनिंग रहेगा आपका 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए और 20 मिनट का। तो ये है हमारा प्रीलिम्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। मेरिट तय करने में इसका कोई हाथ नहीं होता है, कोई स्कोर आपका काउंट नहीं होता है, लेकिन ये क्वालिफाई करोगे तभी तो आपको मेंस के लिए कॉल लेटर जाएगा, एडमिट कार्ड आपको मिलेगा। तो मेंस का क्या पैटर्न है, चलिए अब अच्छे से उसको समझा जाए। देखिए, मेंस का अगर एग्जाम का टाइम बात करें ना, तो टोटल 3.5 घंटा यानी 3.5 आवर्स का पेपर होता है, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहले पार्ट की बात करें तो 155 क्वेश्चंस होता है फॉर 200 मार्क्स, मतलब मैक्सिमम 200 मार्क्स होता है, पर क्वेश्चन 155 ही रहता है। टाइम रहता है 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे का। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी 1/4 है, यानी कि 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर योर 1 रॉन्ग आंसर। अब इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट से पूछा जाता है, ठीक है। पहला सब्जेक्ट है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिससे कि 45 यानी 45 क्वेश्चंस होगा फॉर मैक्सिमम 60 मार्क्स, और टाइम 60 मिनट यानी एक घंटे का रहेगा। सेकेंड है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जिससे 35 क्वेश्चन फॉर मैक्सिमम 40 यानी 40 नंबर, और समय 40 मिनट का रहेगा। थर्ड सब्जेक्ट है आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का, इसके लिए भी 35 क्वेश्चन है फॉर मैक्सिमम 60 मार्क्स, मतलब क्वेश्चन तो 35 है लेकिन अधिकतम नंबर 60 रहेगा। समय अवधि इसके लिए 45 मिनट की होगी। आपका फोर्थ सब्जेक्ट है जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस की, इससे 40 क्वेश्चंस होंगे फॉर मैक्सिमम 40 मार्क्स, मतलब जितना क्वेश्चन उतना मार्क्स, टाइम है 35 मिनट्स। तो ये 3 घंटे का पहला आपका, ये मैंने स्केड्यूल पूरा सब्जेक्ट वाइज बता दिया। इस 3 घंटे के बाद आधे घंटे जो आपकी टेस्ट होती है ना, आधे घंटे में आपसे इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम होता है, ये आपका रिटन एग्जाम होता है। लेटर राइटिंग एंड एसे से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है 25 नंबर के लिए। तो ये आपका टोटल ऑल ओवर मेंस का एग्जाम पैटर्न है। अब जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि आपका जो मेरिट बनेगा उसमें आपका प्रीलिम्स का कोई हाथ नहीं रहेगा, और आप ये भी चीज जानते हैं कि मेंस के एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा, तो जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा ना, वो आपका बनता है 80:20 का, मतलब मेंस के 80% मार्क्स और इंटरव्यू में मिलने वाले 20% मार्क्स, दोनों को आपको ऐड करने के बाद मेरिट लिस्ट बनता है, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। तो आई होप सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। अब रही बात कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा, तो फॉर्म अप्लाई करते टाइम आप जहाँ के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ आपको सिटी का ऑप्शन मिलता है, तो आप नियर बाई सिटी फिल करके और वहाँ पे आप कर सकते हैं। और जॉब की बात रही तो ऑल ओवर इंडिया के लिए भर्ती निकलती है, आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे चूज कर सकते हैं कि किस सिटी में जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने वहाँ का कट ऑफ पार कर लिया तो आपको वहीं पर सर्विस करने का मौका मिलेगा। सर्विस के दौरान आपको पता है कि ग्रेड ए की वैकेंसी है, तो ऑन जॉब आपकी ट्रेनिंग चलते रहेगी, उसी दौरान पता है आपको सैलरी क्या मिलेगा। देखिए, सैलरी आपको 52,000 से लेकर 55,000 शुरुआत में, अलग अलग शहर वाइज डिपेंड होता है, 52,000 से शुरुआत होता है और 55,000 तक, तो ये स्टार्टिंग की सैलरी होती है। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि बाद में ये सैलरी बढ़ के 1,00,000 प्लस कितना ज्यादा जाएगा। तो आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब भी कुछ डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट करके क्लियर कर लेना, अदरवाइज होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ना नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी नई जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।